السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدر جلسة وغرامي قدر علماء الكرام مهمانان غرامي अकाबरीन जमात व मिल्लत और पर्दा नशी माँ और बहनों, आज मैं बेहद शादा व फरहा हूँ। फरहत व मसर्रत की जो लज्जत मैं अपने दिल में पा रहा हूँ, उसकी ताबीर अल्फाज के ज़रिए मुमकिन नहीं। आप हजरात दूर दराज से सफ़र की सऊबतों को बर्दाश्त करके अपने ऐशो आराम और अहम मशागिल को कुर्बान करके यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। ये आपकी दीनी गैरत, जमाती हमीयत और दावती व मिल्ली बेदारी का बयीन सबूत और अजीम मज़हर है। मैं सबसे पहले अपने दिल की गहराइयों से आप तमाम हजरात का पुरजोश इस्तकबाल करते हुए आपको मुबारकबाद देता हूँ और दुआ गो हूँ कि रब्बे करीम आपके नेक जज्बात और पाकीज़ा अज़ाइम को शर्फ़ कबूलियत बख्शे, हम सब को अपने नेक मंदों में दाखिल कर दे और अपनी नेमतों भरी जन्नत का मेहमान बना ले। आमीन तुम आमीन। बिरादरान इस्लाम, किताब व सुन्नत के परवानों, तौहीद के मतवालों, मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, ज़रा माजी के दरीके से झांकें। आज से 26 साल पेशतर 21, 22, 23 फरवरी 1980 पर 6 बरोज जुमा हफ्ता और इतवार ठीक इसी मैदान में से रोज़ा अदीमुश्शान इज्तिमाए आम मुनक़िद हुआ था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस ज़माने में ये पूरा मैदान इज्तिमागाह था, आज उसका तीसरा हिस्सा में से एक हिस्सा, लेकिन फिर भी वो पूरा मैदान भरा हुआ था। और किताबो सुन्नत के शैदाई और फिदाई उस जमाने में कम से कम 15,000 से जायद इसी मैदान में मौजूद थे, जिसमें जमात के चोटी के बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ लाए थे। मसलन खतीबुल इस्लाम मौलाना अब्दुल रऊफ साहब झंडा नगरी रहमतुल्लाह अलैह, मुफक्किरे जमात जनाब हजरत मौलाना मुख्तार अहमद साहेब नदवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना मोहिद्दीन अल कातिब केरला और हजरत मौलाना खरीर रहमान साहेब आजमी उमरी हफिजहुल्ला दारुस्सलाम उमराबाद और मौलाना सनाउल्ला साहब उमरी हफिजहुल्ला एम ए उस्मानिया मछली बंदर। ये तो हुए मुकर्ररीन, इनमें से कुछ अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और कुछ बाकी। जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, दुआ है रब्बे जुल जलाल इनको अपनी रहमतों में ढांप ले और जन्नतुल फिरदौस में जगह आता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। और जो बाकी हैं इन्हें सेहत व आफियत दे
और इनका साया तादेर हम पर कायम रहे, आमीन। और रहे मुंतजमीन, तो इनमें से भी कुछ अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और कुछ बाकी। जो बाकी हैं उनका तज़किरा मकसूद नहीं है, बल्कि उनके हक में सिर्फ ये कहना है कि अल्लाह उन्हें सेहत दे, आफियत दे और दीन पर उसे कायम रखे। अलबत्ता जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, तो इनमें से उनका नाम लेना चाहता हूं और उन सबों के लिए मगफरत की दुआएं करता हूं। मसलन उस्मान बेग साहब, दादा खान, अकबर अली साहब, इसहाक बाजान साहब, इस्माइल साहब, अब्दुल वहाब साहब, शेख इमाम साहब, शेख मौला साहब, अब्दुल अजीम साहब बादशाह भाई, कादर खान टेलर, अब्दुल जब्बार बेकरी, और अभी चंद दिनों कबल टीटी अब्दुल सत्तार भाई का इंतकाल हो गया, जिनका ताज़ा जख्म दिलों में मौजूद है। अल्लाह से दुआ वो हूँ कि रब्बे गफूर सबकी मगफरत फरमा दे, आमीन। इन बड़े बुजुर्गों की सोहबतों को याद करके बड़ी तकलीफ होती। वक्त नहीं है मैं आपको क्या बताऊं, मैं उस जमाने में अगर के बच्चा था, मगर इन बड़े लोगों का जो मैंने नाम पेश किया वो दौर अलग दौर था, एक वक्त था। तो इन की सोहबतों को याद करके बड़ी तकलीफ होती है। इन हजरात की जुदाई पर मौलाना हाली मरहूम की एक रुबाई याद आ गई, गालिब है न शयुक्ता न नैयर बाकी, वहशत है न सालिक है न अनवर बाकी। हाली अब इसी को बज़्म में यारा समझो, यारों के जो कुछ दाग हैं दिल पर बाकी। 1980 पर 6 में इसी मैदान में से रोज़ा इज्तिमाए आम हुआ था। उस वक्त के हालात अलग थे, शहर एलोर में भी, अतराफ व अकनाफ के अहबाब जमात में भी काफ़ी मोहब्बत थी, ईसार व कुर्बानी का जज्बा भी था और सब इस्लाम के नाम पर एक हो जाया करते थे। वयूर के कुछ बच्चे थे, राजमंदरी के कुछ नौजवान आए थे, उस जमाने में विद्यावारा के कुछ नौजवान थे, और आप जानते हो ये खाने जितने हैं इन तमाम में तहारत खाने और लिट्टी का इन बच्चों ने, इन नौजवानों ने इंतजाम किया था। वो दौर कुछ और दौर था, अब के हालात कुछ और हैं। हाली जो कल अफसुरदा खातिर पाया, पूछा बास तो रो के फरमाया, रखना बदली सोहबतों की उम्मीद, वो वक्त गए अब और मौसम आया। हालात अलग हैं, लेकिन ऐसे पुर हालात में जबकि हमारे पास कोई मसाइल नहीं, सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा था, और इतनी बड़ी ये कॉन्फ्रेंस, ये सब अल्लाह की तौफीक से हो रहा है। बहरहाल शहरी एलोर मगरबी गोदावरी का मरकजी शहर है। यहाँ जमात अल हदीस की एक कदीम मस्जिद हपड़ेल की शक्ल में थी। उस मस्जिद की बुनियाद किसने डाली थी नहीं मालूम हो सका, अलबत्ता आज से 100 साल कबल शेखुल कुल फिलकुल सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द रशीद हजरत हाफिज मौलाना अब्दुल अजीम साहब नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह शहर एलोर इंशाल्लाह तशरीफ ले आए, और यहाँ एक मदरसा मादनुल फयूज के नाम से मस्जिद के पीछे कायम किया, और काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद करने लगे। दूर नजदीक से तिश्ना इल्म आते रहे, फैज हासिल करते रहे। इन्हीं में से आपके लायक और फायक बहुत ही मशहूर शागिर, जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी हाफिज और मौलाना अब्दुल्ला मदनी
रहमतुल्लाह अलैह शोलापुरी। मौलाना मदनी साहब यहाँ से इल्म हासिल करके जब शोलापुर तशरीफ ले गए तो वहाँ एक मदरसा मदरसा लतीफिया में दर्स व तदरीस देने लगे। जिला कृष्णा से कुछ तलबा इल्म हासिल करने के लिए शोलापुर पहुंचे। मसलन हाफिज मौलाना अब्दुल वाहिद साहब जो मौलाना सनाउल्लाह उमरी एमए के वालिद मोहतरम थे, हाफिज व मौलाना बशीर अहमद साहब पटना, हाफिज और मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब पटना, हाफिज और मौलाना अब्दुल जलील साहेब पांडरका और हाफिज और मौलाना यहिया साहेब वयूर, इन सबों को मौलाना मदनी ने अपने साए आतिफत में जगह देकर खास दिलचस्पी और तवज्जो के साथ इल्म के जेवर से आरास्ता और पैरास्ता किया, क्योंकि ये इनके उस्ताद के कुर्ब जवार के रखने वाले थे। फिर ये हजरत आलिम और फाजिल बनकर अपने वतन को लौटे और अपने अतराफ व अकनाम में दावत व तबलीग का काम किया। मैं नाचीज 1982 के अवाखिर में यहाँ आया था शहर एलोर। 85 के अवाखिर में इस्लाम मसाजिद की तरफ से नई मस्जिद की तामीर की गई और मौलाना मदनी की वजह कर मस्जिद का नाम मदनी मस्जिद आले हदीस रखा गया। और 1986-86 में शेरोजा इजतिमा मुनाकिद किया गया और 1983-83 में सल्फ सालेहीन के रविश के मुताबिक मैंने एक मदरसा मुहम्मदिया सल्फिया के नाम से कायम किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक लायक पाए शागिर अबू बकर उमरी ने हालात के तगैर और तबदुल के बावजूद आज तक वो मदरसा चला रहा है, जिसमें तकरीबन 100 बच्चे बच्चियां सुबह शाम दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्लाह इस मदरसे को कायम रखे और तरक्की अता फरमाए, हमें 1995 में नाचीज यहाँ से चला गया। वजह सबको मालूम, एक साल जंगारेरी गुडुम रहा, वहाँ जो कुछ हुआ जो कुछ किया सबको मालूम। वहाँ के हजरात यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, वहाँ की 2 मंजिला मस्जिद खुद गवाही दे रही है और सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह को है। 1996 के अवाइल में विशाखापट्टनम की मस्जिद अल हदीस में वहाँ के अहबाब जमात ने जबरदस्ती रखा, जबकि जंगारेरी गुडुम की मस्जिद की जमीन के चंदे के सिलसिले में वहाँ गया था। वहाँ तकरीबन 15 या 16 सालों तक रहा। अल्हम्दुलिल्लाह दीन का बहुत काम हुआ, मस्जिदें बनी, जमात का तारुफ हुआ, लोग शिर्क व बिदात से तायब हुए। आयारा के बयां अल्लाह अलीम और खबीर को सब कुछ मालूम है। और फिर हालात ने तगैर तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, फिर 10 महीने से एलोर में हूँ। अल्लाह ने जिनकी रोजी जहाँ लिख दिया है वहाँ रखना ही होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तू हर चीज पर कादिर है, फिर पहले जैसा माहौल पैदा फरमा और जब तक दुनिया में जिंदा रह अपने दीन की खिदमत करने की तौफीक रफीक अता फरमा। अब चूंकि ये इज्तिमा जमात अहले हदीस की तरफ से हो रहा है तो अहले हदीस क्या है जरा मुख्तसर तौर पर चंद मिनट आप सुन लें। अहले हदीस ये 2 लफ्जों से मुरक्कब, अहल और हदीस। हदीस का लफ्जी माना है बात, लेकिन जम्हूर मुहद्दिसीन की इस्तेलाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फेल और उस अमर को हदीस कहते हैं जो आपके सामने सहाबा इकराम ने किया और आपने उसे मना नहीं किया बल्कि उस पर सुकूत फरमा कर उसे जायज रखा। कुरान मजीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बातों को हदीस कहा गया, जैसा कि अल्लाह सुबहानहु व तआला सूरह तहरीम में इरशाद फरमाया, वईद असर नबी इला बाद अज़वाजिही हदीसा,
और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात बीवियों से एक पोशीदा बात कही, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स को हमेशा तरोताजा रखे जिसने मेरी हदीस को सुनकर याद रखा और यहां तक कि उसे दूसरों तक पहुंचाया। आयत मुकद्दसा और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हदीस कहा गया और कुरान मजीद भी हदीस है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के खुतबे में, ईदैन के खुतबे में, जहां एक बड़ा मजमा सामने होता था, पुरजोर और बुलंद आवाज में इरशाद फरमाया करते थे, फइन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, पर बेशक बेहतरीन हदीस अल्लाह की किताब कुरान मजीद है। खुद कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, अल्लाह नज़ल अहसनल हदीस सूरह ज़ुमर, अल्लाह ने बेहतरीन हदीस नाज़िल फरमाई, वमन अस्दक मिनल्लाहि हदीसा सूरह निसा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात से बढ़कर सच्ची बात किसकी हो सकती है। और भी बहुत सी आयतें करीमा इसे मालूम होता है, कुरान मजीद को भी हदीस कहा गया। कुरान और हदीस से ये अमर रोज़ रोशन की तरह वाज़े हो गया कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की हदीस है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल फेल और तकरीर हदीस है। लफ्ज़ अल का माना बहुत जाहिर और वाज़े यानी वाला साबित हुआ। अहले हदीस का माना है अल्लाह ताला की हदीस कुरान मजीद और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कौल फेल और तकरीर को मानने वाला। और ये भी मालूम हो गया जब से कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ और आमैना के लाल इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गए, उस वक्त से लेकर अहले हदीस आज तक मौजूद। और अहले मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम आपको अल्लाह की तरफ, अल्लाह की किताब की तरफ, रसूल की तरफ, रसूल की फरमान की तरफ बुलाते हैं। लिहाजा ये जमात जमीन पर जब से कुरान का नुज़ूल हुआ आज तक मौजूद है किसी ना किसी शक्ल में। लिहाजा अहले हदीस वो होता है जिसके एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, बस यही अहले हदीस और इसी की तरह अहले हदीस बुलाते हैं। ये कोई नई जमात, कोई नई फिरका, कोई नई चीज आपके सामने नहीं आ गई। बहरहाल मेरे भाइयों, इस अज़ीम शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद भी यही है के लोगों को उस दीन की दावत दी जाए जिस दीन की दावत के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन को मबूस फरमाया। अब आखिर में मैं उन उलमाए किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी दावत को शर्फ कबूलियत से नवाजते हुए तमाम तर सोबतों को बर्दाश्त करके यहाँ तशरीफ लाए हैं। और फिर सामईन किराम, इलाके के हबाबी जमात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इन सब को सेहत, इन सब के लिए सेहत व आफियत की दुआ करता हूँ जिन्होंने किसी भी तरह इस कॉन्फ्रेंस में मदद की है। खुसूसन एलूर के MLA और जनाब रफ़ीउल्ला बेग साहब कापावरम और जनाब अमजद साहब पिंशरलैंड कारपोरेटर अकबर टीप टाप वाला के बेचारा बड़ी आसानी के साथ बड़ी कम कीमत में ये पूरे टीप टाप को लगा दिया है। अल्लाह उसे सेहत दे, आफियत से रखे, दीन की फहम, दीन की समझ अता करे और उसको दीन पर कायम रखे। उसके बाद अंजुमन मुहाफिज़ुल इस्लाम के इराकीन का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी हमारे साथ अच्छी तरीके से तआवुन किया।
अब हम रुखसत होते हुए अल्लाह से दुआ को गो हैं कि रब्बे करीम इस दिनी कॉन्फ्रेंस को हमारे लिए, जमात के लिए, कौम मिल्लत के लिए, शहर के लिए, मुल्क के लिए अल्लाह मुफीद से मुफीद तर बना दे, और ऐ अल्लाह हम सब को एक और नेक बना दे। जब तक दुनिया में जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, अल्लाह दुनिया से ले भी चल, ईमान और इस्लाम की हालत में ले चल। रब्बना तकब्बल मिन्ना।